हेलो भाई, उत्कर्ष कौशिक की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गाड़ी, ये जो हम सभी लोग टाटा अल्ट्रोस 8.5 लाख की गाड़ी लेकर घूम रहे हैं इतने दिन से, इसका अभी तक हमने 0 to 100 एक्सेलरेशन आप सभी को नहीं दिखाया। 0 to 100 एक्सेलरेशन जो है वो कभी भी किया जाता है तो वो काफ़ी मतलब स्पीड में किया जाता है कि गाड़ी जितना जल्दी 0 to 100 टच कर जाए। इसके इंजन के बारे में मैं बता दूं तो इसमें आप सभी को 1.2 लीटर का रिवर टॉर्क जो कि 84 PS की पावर जनरेट करता है वो मिलता है, वो भी 3 सिलेंडर का। ये पेट्रोल इंजन है, डीजल वाला नहीं है। डीजल वाला होता तो फिर अलग ही बात होती। तो ये आज हम सभी 0 to 100 एक्सीलरेशन करेंगे तो आसपास में देख लेंगे कोई नहीं है और हम लोग ये सेफली कर रहे हैं खाली जगह पर। आप सभी देख सकते हैं कितना खाली है, तो यहाँ पर हम सभी करेंगे 0 to 100। और कभी भी 0 to 100 एक्सीलरेशन या फिर गाड़ी आप चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा लीजिए, हट करिए। अभी देख लीजिए गाड़ी पहले गियर पे लगा हुआ है। अभी हम लोग फिर से ट्राई करेंगे क्योंकि 80 के स्पीड पर रह गया। 80 का स्पीड में आप सभी को टाइमर लगा दूंगा, यहाँ पे आप सभी को दिखता रहेगा कि कितना सेकंड में 80 का स्पीड टच किया है। यहाँ पे से देख लीजिए खाली है पूरा। अब करते गाड़ी 100 टच कर गई है, काफी प्यार से गाड़ी 100 टच कर गई है यहाँ पे और काफी कम देर में किया है। मतलब टाइमर में आप सभी ने देख लिया होगा कितना कम देर में किया है। तो यही इस गाड़ी का 1.2 लीटर का पावर है। अब एक बार 80 पे ब्रेकिंग कर लेते, ब्रेक इतना सा भी गाड़ी का जो है वो टायर स्किड नहीं किया है ब्रेकिंग करने में। 80 से ऊपर के स्पीड में था गाड़ी जबकि, तो देख लीजिए कितना अच्छा इंजन मिलता है। लोग इसको अंडर पावर बोलते, थोड़ा सा है क्योंकि गाड़ी काफ़ी बड़ी सी है लेकिन काफ़ी अच्छा इंजन है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंजन है। 0 to 100 आप सभी ने देख लिया और कितना सेकंड में, कमेंट में बता दिया कितना सेकंड में हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।